दरभंगा से दिल्ली और मुंबई का किराया पटना से तिगुना। मिथिला वासियों के लिए हवाई सफर इतना महंगा क्यों? फेस्टिवल सीजन में हवाई किराए में आग कैसे लग जाती है? क्या दरभंगा एयरपोर्ट फ्लाइट फेयर स्कैम का शिकार तो नहीं हो रहा? मिथिला के लोगों के लिए इतना महंगा हवाई किराया आखिर कब तक? फेस्टिवल सीजन में सिंगापुर और दुबई के बराबर वसूला जा रहा है किराया। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई का किराया पटना से तिगुना आखिर क्यों? जबकि उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से एयरपोर्ट और बेंगलुरु आने जाने वाली उड़ानों के एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बिहार सरकार सिर्फ 1% टैक्स लेती है, ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली आने जाने का किराया पटना की तुलना में काफी कम होना चाहिए था। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट से महंगे किराए पर उठाए सवाल। आखिर कब तक मिथिला के लोगों के लिए हवाई किराया इतना महंगा रहेगा? दरअसल त्योहारों पर आगमन छूटे फ्लाइट के टिकट पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा का अभाव है। दरभंगा से किसान और मुंबई का किराया पटना से तिगुना है। लगातार केंद्र की सरकार से मांग करने के बावजूद हवाई जहाज कंपनी ने लूट मचा रखा है। दीपावली और छठ पूजा के समय मेट्रो शहरों से पटना आने जाने वाले यात्रियों से सिंगापुर और दुबई के बराबर किराया वसूला जा रहा है, ये सही नहीं है। आइए अब आपको सुनाते हैं मंत्री संजय झा का ये बयान। था दरभंगा एयरपोर्ट है आरसीएस एयरपोर्ट हो गया रीजनल कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कौन करता है? बिहार पुलिस करती है, सीआईएसएफ नहीं करती है। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। अब दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपेरिजन कीजिए 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 35,000। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई मैं कहूँगा आप तो आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है तो कौन उसको कंट्रोल करेगा, किसकी जवाबदेही है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए, अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,000-3,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। और वहाँ पर एवरेज आप देखिए, अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, इतने लोग आते हैं बाहर से, ये तो जनता से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कोई इसको सेंटर स्टेट उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है, एक्सप्लेन कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं किया गया है दूसरे एयरलाइन के लिए खुलना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको आरसीएस एयरपोर्ट, जहां उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, वहां कैपिंग करना चाहिए कि आप 8,000 या 9,000 जो भी आपको तय, ये अपर लिमिट है टिकट का, और नीचे में 3,500 में आपको मैक्सिमम टिकट बेचना है, 4,000 में 4,500, क्योंकि सरकार छूट देती है इस सब एयरपोर्ट पर उस एयरलाइन को। तो इसका क्या मतलब रहेगा, जो मेट्रो सिटीज़ का एयरपोर्ट है वहाँ पर आप लेते हैं मैक्सिमम फी। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है इस सारे चीज़ में, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे चीज़ में। जो दिल्ली से दरभंगा में जो एटीएफ लगता है, या दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टर्बाइन फ्यूल है एटीएफ है 1% है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो तो करें क्या, कोई मतलब है? पूरा देश में जो वैट लिया जाता है हर एक सरकार अपने, तो पटना में भी लिया जा रहा है, तो पटना का रेट कैसे आधा हो गया? क्या है दरभंगा में जो आप बैठ करके वहाँ 20,000 का टिकट वहाँ पे करता है, और कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता।
ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, क्यों मिथिला के साथ लूट मची हुई है? आपके सामने रिकॉर्ड पे है, मैं तो कह रहा हूँ आज गूगल करके देखिए, 3 दिन के बाद दरभंगा से एयर फेयर किया, आप चेक करके देखिए एयर फेयर किया है। अंदर सर कि दरभंगा एयरपोर्ट पर तो कोई फायदा हुआ नहीं? नहीं, फायदा तो बहुत हुआ क्योंकि ये सबसे सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, इतने लोगों का मूवमेंट है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह का सुविधा और जो फेयर होना चाहिए वो दरभंगा, दरभंगा का मतलब दरभंगा नहीं है सिर्फ, दरभंगा का मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सारे के पैसेंजर वहाँ आते हैं, मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा जो उत्तर बिहार का पैसेंजर है, आप पूछिएगा गोपालगंज तक के लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। बता दें कि इससे पहले मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर कहा था कि मिथिला के लोगों के लिए इतना महंगा हवाई किराया आखिर कब तक। दशहरा के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर 2023 को यदि कोई व्यक्ति हवाई मार्ग से दरभंगा से दिल्ली जाना चाहे तो उसे करीब 15,000 रुपए, जबकि पटना से दिल्ली जाने पर करीब 6,000 रुपए किराया देना होगा। ये स्थिति तब है जब उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानों के एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बिहार सरकार सिर्फ 1% टैक्स लेती है। टैक्स की ये छूट पटना एयरपोर्ट के लिए लाडू का काम करती है। टैक्स में ये छूट पटना एयरपोर्ट के लिए लागू नहीं है, ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली आने जाने का किराया पटना की तुलना में काफी कम होना चाहिए था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पुनः अनुरोध है कि दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन के लिए लग रहे हवाई किराए पर पुनर्विचार करें और त्योहार के दिनों के लिए किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।